हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये ब्लॉग हम शाम 4:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल में। हम जा रहे हैं खुले के हॉस्पिटल में क्योंकि हम इनके बड़की हैं। हम इनको जा रहे हैं लेके। इनको पेट में दर्द हो गया है दोस्तों, मतलब क्या हो गया है पता नहीं, लेकिन इनको बहुत पेट दर्द कर रहा है। ये मेरी दीदी हैं। आई एक बार गई थी अल्ट्रासाउंड कराने के लिए और अल्ट्रासाउंड वगैरह करा ली हैं, लेकिन डॉक्टर से पूछी नहीं कि हम उनको क्या हुआ है। हम दांत यार, हम पूछे, इनको पूछना चाहिए ना कि क्या हुआ है क्या नहीं। तो अभी इसी के लिए जा रहे और इनको मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है। दिन में सिर्फ एक बार खाती हैं तो ऐसे लग रहा है कि गैसे बन रहा है, ज़्यादा इनको गैसे बन रहा है। और देखिए उधर दो लोग, दोनों आ रहा है दौड़ के, दोनों बच्चा। और धूप दोस्तों इतना किया है ना, इतना किया है कि क्या बताएं। धूपे में हम लोग जा रहे हैं। हाँ और देखिए सच में जी घास सब मोहक कर रही है। अब पता नहीं भैया कहाँ है। और देखिए इधर आ गया, खड़ा होकर दूर खड़ा होकर फोटो खिंचाएंगे। किधर गाड़ी पे छोटका कहाँ हो गए? लहन ना गुल लहन चला ना पीछा देख लो बैठो लहन। तो आप लोग ऐसे ही बने रहे, कोई देख के हंसबो करेगा हम लोग को। ऐसे खड़े रहे फोटो ले तो जी भी जा रहा है। और देखिए दोस्तों हम लोग आ ही गए हैं, बस थोड़ा देर और। कहाँ जाने के रहा? आप बैक कैमरा करके आपको दिखाते हैं। बेचारा, अब देख देखिए कहाँ गया। लड़ा लड़ा लोग ना, हम वीडियो बनाए। देखिए दोस्तों हम लोग तो आ गए हैं मार्केट करके। मार्केट क्या करने गए थे, दवा के लिए गए थे। ज़्यादा दूर नहीं, यही मतलब पास ही में है, नज़दीकी में है छोटा मोटा हॉस्पिटल, तो वहीं गए थे। तो वो कुछ तो बताया नहीं, वो बोला कि आप जहाँ से दवा ली है ना, मतलब जहाँ से दवा ली है तो आप जाके वहीं से लीजिए। उनको कब दी, लीवर में सूजन ना, उनको लीवर में सूजन हो गया। और ये जहाँ अल्ट्रासाउंड मतलब कराई थी वहीं फिर से इनको जाके दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर बोला कि हम तो दवा दे देंगे लेकिन आपको जाके फिर से वहाँ आपको दिखाना पड़ेगा एक बार, वो क्या कह रहा है क्या नहीं, उसके बाद वो अपना डिसीजन करके वो दवा लिखेगा। ताकि देखिए इसीलिए इनको मतलब खाना वगैरह उतना पच नहीं रहा है और ज़्यादा मसाला खाने से या पता नहीं भगवान जाने कैसे हो जाता है। और उतना दूर से दोस्तों आने में ना मतलब एकदम देखिए चेहरा का धजिया उड़ गया है, इतना गर्मी, इतना गर्मी। और गर्मी की वजह से पूरा मुंह लाल हो गया है। तो अब जा रहे हैं, आए तो सोचे कि थोड़ा सा बना लेते हैं, अब जा रहे हैं कपड़ा वगैरह खोलेंगे। जो कि मैं साड़ी पहनी हूँ, सुबह से साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, बहुत बिल्कुल नहीं साड़ी में पहनती हूँ, बहुत कम ही साड़ी पहनती हूँ। वो भी मैं पहनती हूँ दोस्तों मतलब वही आधा एक घंटा के लिए, बाकी मैं खोल देती हूँ। और आज कहीं जाना था इसलिए मैं सारा दिन पहन के रही हूँ। फिर
लाडो पापा थे नहीं, वो चले गए थे मार्केट, मतलब बैंक वगैरह का कुछ काम था इसलिए वो चले गए थे। फिर वो आए नहीं, नहीं हम गए, इसलिए मैं सारा दिन पहन के आज रही हूँ। और चलिए आज शनिवार है तो आज हम लोग बनाएंगे लिट्टी और चोखा, जो कि बिहार का प्रसिद्ध भोजन है लिट्टी और चोखा। तो मैं दोस्तों बनाऊंगी ना, तो आप लोग के मैं ज़रूर दिखाऊंगी लिट्टी और चोखा। तो चलिए मैं थोड़ा सा छत पे मैं लेके चलती हूँ। और दोस्तों मतलब नीचे पता नहीं कैसे धुआं 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 जैसा दिख रहा है, और बारिश की वजह से ना देखिए सब काई लग गया है पूरा इसमें। हाँ मतलब वही धुआं 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 धुआं, और देखिए इसमें कितना अच्छा लग रहा है। ये बारिश के वजह से ही सब मतलब काई काई हो गया है और बाकी कुछ नहीं। और देखिए हमारे छत का नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ, बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। यहाँ तुलसी मैया है, मैं बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ तुलसी मैया है और इसी में मिर्चा लगा दिया गया है, और इधर क्या बोले ठटर बनाया गया है दोस्तों, क्योंकि गांव देहात में ना नीचे से ही आदमी चढ़ा देता है हरियर सब्जी। इसमें चिचिरा है और सेम है, पता ना कहे सब मुँह हम एक मोर गए। और देखिए इधर खेती हुआ है, मतलब गाय भैंस के लिए सब हरियरी लगाया गया है, और देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। देखिए सूर्य भगवान दिख रहे हैं आपको, और देख रहे हैं कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, पूरा एकदम हरियाली ही हरियाली। हम लोग बीच में है और छत पे कपड़ा डाला गया है, देख रहे हैं इधर इधर। और इधर देखिए नीम का पेड़ है, जो कि इधर भी देखिएगा तो जंगल ही जंगल आपको मिलेगा। हम लोग का घर थोड़ा सा मतलब जंगल एरिया में है, बाकी इधर घर है। और इधर कपड़ा वगैरह डाला गया है, और देखिए इस पर एक छोटा सा लेटरिन का सीट है, जो कि चालू नहीं है, ऐसे ही बना दिया गया है इमरजेंसी के लिए के, बाकी चालू नहीं है। और इधर इराड़ी बोला जला ना दीदी, इराड़ी है, इसको दौरी बनाता है, तो दौरी के लिए सुखा मतलब उसको सुखाया जा रहा है। और ये हमारा आंगन है, जो कि चूल्हा है, मैं छत पे आई हूँ इसलिए मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कुछ नहीं। और इधर सब लकड़ी वगैरह रखा गया है जलाने उलाने के लिए, क्योंकि गांव का ही यही गैस है असली वाला, इसी को हम लोग गैस बोलेंगे। इसको इससे जल्दी जल्दी खाना बन जाता है दोस्तों। और इधर भी सुखाया जा रहा है लकड़ी वगैरह। और देखिए इधर सीज कितना हुआ है, सीज का कितना पेड़ है। और उधर भी मिर्चा लगाया गया है दोस्तों, छत पर ही खेती कर दिया गया है, मिर्चा है इधर, सीज है, मतलब इसको आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे तरफ तो सीज ही बोलते हैं। और इस देखिए ये नोनी है, और नोनी के साग है, नोनी के इसको जीवतिया में काम आता है। और इधर देखिए लग के फट जाएगा का। और इधर का देखिए यही हमारा गांव है, और ये कराईकट डाला गया है, मतलब अभी नया इसको बनाया गया है, उतना दूर बाउंड्री पूरा किया गया है, और इस पर कराईकट ये सब नया डाला गया है, कराईकट वगैरह जो है सो, और सब बढ़िया है। और दोस्तों आप लोग अगर आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, और जो हमारे वीडियो पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा ज़रूर कमेंट भी करिएगा। और देखिए मेरे को कितना गर्मी हो रहा है, इतना मतलब गर्मी हो रहा है ना, तीन दिन से इतना गर्मी हो रहा है दोस्तों, इतना गर्मी कि क्या बताएं। हम लोग घर में रहते हैं ना और मन उग जाता है, एकदम मन पागल हो जाता है। और सुबह से तो एकदम सर दर्द कर रहा था, बहुत तेज के सर दर्द कर रहा था, फिर भी क्या करें, जो घर में काम है काम तो करना पड़ेगा और कुछ नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं खाना बनाने के लिए, क्योंकि सैटरडे है तो लिट्टी चोखा बनाएंगे, सबके यहाँ लिट्टी चोखा बनते हैं हमारे मतलब बिहार का भोजन है, प्रसिद्ध भोजन, और मेरे महाराज जी का फेवरेट भोजन है लिट्टी और चोखा। उनको सैटरडे के दिन और बुधवार के दिन दो दिन उनको लिट्टी चाहिए, आप ऐसे डेली दीजिए तो डेली वो खाएंगे, लेकिन हम लोग दो ही दिन बनाते हैं, क्योंकि आग पे बनाना है तो मतलब मन एकदम उब जाता है, मन बेचैन हो जाता है। तो आप लोग चलिए, हम ज़्यादा बक बक ना करते हुए मैं चलती हूँ अब नीचे, और अपना काम में हम लोग लगते हैं। अभी जा रहे हैं, कपड़ा वगैरह खोलेंगे, उसके बाद नहाएंगे, उसके बाद ही कोनो काम करेंगे। ये जा रही है गाय दूने, हमको नहीं आता है दूने गाय, तो गाय दूती है,
और चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई मतलब दिखाऊंगी तो वैसे ऐसे धोती है। अगर हम भी यहाँ रहते ना दोस्तों तो मैं सीख लेते, लेकिन हम यहाँ रहते नहीं है। देखिए वो बाल्टी वेगे लेके अपना चल दी बढ़िया बात बिहारी।